बार जब सेकंड वेव भी आई थी, मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर ही पूरा अस्पताल तैयार करवा लिया था। उनके मंत्रिमंडल के कई साथी संक्रमित पाए गए। मुख्यमंत्री जी को सावधानी बरतते हुए जांच जरूर अपनी करवानी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कोरोना का खतरा मंडरा रहा है पूरे भारत में, और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी कोरोना का संक्रमण फैलते जा रहा है। और इसी क्रम में चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जो कि इन दिनों वैशाली दौरे पर है, उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी कोरोना जांच करा लेनी चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने आवास को एक तरीके से अस्पताल बना दिया था, तो और मुख्यमंत्री को कोरोना जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि उनके आसपास के जितने भी मंत्री थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इस कारण से मुख्यमंत्री को कोरोना जांच करा लेनी चाहिए। और उन्होंने सलाह भी दी कि लोगों को मास्क पहनना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। भैया, मुख्यमंत्री जी का तो वही जाने, क्योंकि उनका तो पता नहीं चलता। पिछली बार जब सेकंड वेव भी आई थी, तब भी मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर ही पूरा अस्पताल तैयार करवा लिया था। रोस्टर ड्यूटी पे डॉक्टर्स को जिम्मेदारी दी गई थी, तो अब पता नहीं अब उस वक्त भी उनको कोरोना हुआ था कि नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री जी अपनी जानकारी वो साझा करने से थोड़ा संकोच करते हैं, बट बहरहाल ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला। पर इतना ज़रूर है कि जाँच सबकी होनी चाहिए, और जिस तरीके से महामारी फैल रही है, मैं भी निरंतरता में जहाँ जा रहा हूँ मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि भैया मास्क पहने, दूरी रखें, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये महामारी ये बढ़ती जा रही है। तो अपनी सावधानी सतर्कता बरतना और जितने कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करना ज़रूरी। आश्चर्य की बात है, क्योंकि जब वो जनता दरबार में भी थे उसमें भी कई सुरक्षाकर्मी और कई और लोग भी संक्रमित पाए गए थे। जिस मंत्रिमंडल में उनके मंत्रिमंडल के कई साथी संक्रमित पाए गए हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी को भी अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वो स्वस्थ रहें और संक्रमण से बचे रहें। जांच इनको ज़रूर निरंतर करानी चाहिए। भाई, वो यात्रा पे भी निकले हुए थे, जिस तरीके से समाज सुधारने के लिए वो निकले हुए थे, तो उसमें यात्रा में भी यकीनन कई भीड़ भाड़ थी, काफ़ी लोग थे, तो मुख्यमंत्री जी को सावधानी बरतते हुए जाँच ज़रूर अपनी करवानी चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का। चिराग पासवान ने आप साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री स्वस्थ रहे मैं कामना करता हूँ, साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री को जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि जितने भी मंत्री हैं आसपास वो सभी, उनके आसपास जो थे वो सभी कोरोना पॉजिटिव है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जनता दरबार में थे और साथ साथ समाज सुधार यात्रा पर भी थे, इस कारण से उन्हें अपनी कोरोना की जाँच करा लेनी चाहिए। आपको बता दें, बिहार में कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, और अगर काफ़ी दिनों पहले की बात करें तो जब समाज सुधार अभियान जो है मुख्यमंत्री का और जनता दरबार चलता था, तब भी धीरे धीरे कोरोना फैलना शुरू हो गया था, और फिर मुख्यमंत्री के जनता दरबार से 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए, सासाराम और रोहतास के। इसके बाद से बवाल मच गया और फिर निर्णय लिया गया, निर्णय ये कि उनका समाज सुधार अभियान भी रुक गया और जनता दरबार भी रुक गया। और अगर बिहार में बात करें तो कई मंत्री ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है। दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, तारकिशोर प्रसाद और साथ साथ रेणु देवी, दोनों के दोनों कोरोना पॉजिटिव है, और भी कई मंत्री हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसे में जो चिराग पासवान है, उन्होंने ये सलाह दी है कि मुख्यमंत्री को तरीके से अपनी कोरोना जांच करा लेनी चाहिए। उन्होंने सलाह दी है क्योंकि सभी मंत्री, उनके कैबिनेट की जो बैठक होने वाली थी उसमें भी 22% मंत्री जो थे वो कोरोना पॉजिटिव थे, कोरोना से संक्रमित थे। ऐसे में ऐसे भी बात सामने आई कि क्या मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया है या फिर क्या खबर है, ये भी बात चली थी। और ऐसे में अब चिराग पासवान ने सलाह दे दी है नीतीश कुमार को कि उन्हें भी कोरोना की जांच करा लेनी चाहिए। देखिए, बिहार में कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे और भी फैलता जा रहा है, और सबकी शुरुआत हुई थी NMCH में जब विस्फोट हुआ था कोरोना का, कई डॉक्टर जो है संक्रमित पाए गए थे, कई ऐसे डॉक्टर थे, और फिर धीरे धीरे ये बिहार में पूरी तरीके से फैलता चला गया। और ऐसे में नीतीश सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब नाइट कर्फ्यू भी लगेगा और साथ साथ कई चीज़ों पर पाबंदी भी लगेगी, जैसे सिनेमा घर हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, कई सारी चीज़ें हैं जो बंद हो चुकी है, जू हो गया, पार्क हो गया, ये सारी चीज़ें अब बंद हो चुकी है। और अब चिराग पासवान जो है वो ऐसे में नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें जांच कर लेनी चाहिए। मांग नहीं कह सकते हैं, बस सलाह दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को जांच करा लेनी चाहिए। और आप भी जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले और मास्क का ज़रूर उपयोग करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे DTV भारत। धन्यवाद।